अस्सलाम वालेकुम गाइस, मुझे पता है आप ठीक ठाक और फिट फाट होंगे अल्लाह के फजल करम से। नहीं तो यार ये हमारा नेक्स्ट व्लॉग है। नेक्स्ट व्लॉग के लिए कुछ स्पेशल नहीं, लेकिन मैं अपने आप से स्पेशल बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो नए हैं वो भी सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, मिलते हैं आगे इंशाल्लाह। अभी मैं आया हूँ छत के ऊपर इस वजह से आया वीडियो बनाने के लिए। तो उधर ये भाई लोग पतंग उड़ा रहे थे, इनका पतंग माशाल्लाह काफ़ी ऊपर गया है, तो इसी वजह से मैं आ गया। मैंने सोचा यार वीडियो बनाऊँ, वैसे भी आज फ्री हैं तो व्लॉग्स के लिए वीडियो तो बनाने पड़ेंगे ना, बस यही वीडियो बनाते हैं आज के लिए और आगे भी इंशाल्लाह बनाते रहेंगे। आज जितना भी हो सका उतना ही वीडियो बनाएंगे और बाकी सारे इंशाल्लाह। आउटिंग मोटिंग तो कुछ नहीं अभी तक, अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा ये दोनों अभी छत के ऊपर आ गए, वो देख रहे कैसे उड़ा रहा है पतंग। गुड्डी फंस गया इसका, पतंग पतंग यानी गुड्डी अपने जुबान में बोलते हैं, ये असल में होता है पतंग। ये पतंग उड़ा रहे, पता नहीं किधर फंस गया, किधर फंस गया इसने ना आपका पतंग, किधर फंस गया, क्यों खड़े हो इधर, किसका असनैन का पतंग। अबे ये तो यहाँ फंस गया, अभी आप निकालोगे इसको, आप कैसे निकालोगे इसको। अच्छा टोंकी डाल इसमें, टोंकी मैं अपने ले जाऊंगा, जाओ उसको दे दो। 2000 years later. तो अभी मैं और अरमैन भाई जा रहे हैं बुगड़ाई ग्राउंड पे। तो अरमैन भाई, आप अरमैन भाई ने कहा कि बुगड़ाई ग्राउंड पे जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा टाइम पास करते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो चलते हैं, हम अपना व्लॉग बनाएंगे, आप टाइम पास कर। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। हम जा रहे थे ग्राउंड, तो बीच में आ गया ये जंपिंग। यहाँ पे जीशान भाई और असनैन भाई, तनवीर भाई, शाफिसल भाई जंपिंग कर रहे थे, मैंने वीडियो बना लिया उनका। A few moments later. तो ये हमारे कश्मीराबाद की हालत है, कमरानी रोड, कश्मीराबाद कमरानी रोड। यहाँ पे इतने सारे कचरे हैं, कोई उठाता नहीं, यहाँ से सारे लोग यही कचरे अपने लाते हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा ग्राउंड जाते वक्त यहाँ पे मैंने गोबर देखे। ये डेयरी वगैरह के होते हैं, वो यहाँ पर लाते हैं, इनको सुखाते हैं, फिर इनको बेचते हैं, इनसे पैसा कमाते हैं। अच्छा हमको सिखा रिया है। अच्छा तो हम ग्राउंड पे जा रहे हैं, बीच में रास्ता भी बहुत, इसमें खड्डा है, ये खड्डे जो है ना बहुत बड़े बड़े हैं, अभी छोटे हुए हैं लेकिन पहले बहुत बड़े बड़े थे। ये ग्राउंड का रास्ता है, ये ग्राउंड के लिए जाता है, तो एक रोड से भी जाता है रास्ता। यहाँ पे खड्डे देख रहे हो, ये पहले बहुत बड़े बड़े खड्डे थे, इनमें कचरा डाल के इनको डम कर दिया। और भी खड्डे यहाँ से सीधा, ये रास्ता नहीं जा रहा, रास्ता का राइट साइड से पूरा खड्डे ही खड्डे, ऐसे ये इनके बीच से भी जाता है ना, ये भी खड्डा है। ओ भाई कितने बड़े खड्डे, लेकिन कचरे डाले। हम बागों के बीच से आ रहे हैं अभी, तो हम बागों के बीच से निकल के जा रहे हैं अभी ग्राउंड के लिए। तो ग्राउंड पे जाएंगे इंशाल्लाह, लेकिन यार बहुत मज़ा आ रहा है मुझे, मैं अभी ग्राउंड पे जा रहा हूँ, अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। क्योंकि वहाँ पे वो माइक वाला नहीं, वो बातें कर रहा है कि सिक्सर मार दिया, पता नहीं क्या किया वो किया। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। आवाज इधर आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है यार। अभी वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं तो बस वापस आएंगे, घर के लिए निकलेंगे। हम ग्राउंड पे तो पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रहा है। हम दूर बैठे हैं, तो ये बैट्समैन बैटिंग कर रहा है, ये बॉलर ने बॉल फेंक दिया और ये सिक्सर, नाइस नाइस, वो हमारे पास में आके गिर गया। अच्छा ग्राउंड बहुत बड़ा है, इधर एक नहीं चार चार टीम आई हुई है, चार पांच ऐसे टीम, बहुत सारे टीम, लेकिन हम इस मैच को देख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि माइक यहीं पे है। A minute 37 seconds later. अभी हम जा रहे हैं दूसरे ग्राउंड पे,
इधर मैं चल रहा था लेकिन यार हवा कितना तेज है यार, हवा बहुत तेज है लेकिन बात करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है। मैं ये कोना पकड़ता हूँ, यहाँ पे दीवार है, यहाँ पे आवाज़ थोड़ा कम हो रही है। हाँ अभी आवाज़ कम हो गया। तो अभी हम जा रहे हैं दूसरे ग्राउंड पे, वहाँ पे भी मैच हो रहा है, वहाँ पे भी माइक वगैरह है, बातें कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने कहा चलो ठीक है इधर रोड पे बैठे हैं, उधर चलते हैं। अभी उधर जा रहे हैं, देखते हैं यार क्या होगा वहाँ पे। अभी हम आ गए दूसरे ग्राउंड पे। अभी मैं बहुत दूर बैठा हूँ लेकिन जूम करके वीडियो बना रहा हूँ। ये बॉलर ने बॉल फेंका, ये कुछ भी नहीं हुआ, पाँव में लग गया, नो बॉल हो गया, फ्री हिट। अभी देखते हैं ये क्या करेगा, नो बॉल तो हो गया, फ्री भी हिट है। अच्छा नो बॉल फ्री हिट, यार हवा बहुत तेज है। मिस हो गया, मिस। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। ग्राउंड के पास में है ये जगह, माशाल्लाह। इनको पता नहीं क्या बोलते हैं यार, हमारे सुबह खड़ा बोलते हैं, ये आपकी सुबह में क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, ये गन्ना, हाँ गन्ना बोलते हैं इनको उर्दू में, इनको गन्ना बोलते हैं, ये गन्ना है। A few moments later. अभी हम आ गए फुटबॉल ग्राउंड पे जो कि कश्मीराबाद कमरानी रोड में है। यहाँ पे वहाँ पे गए क्रिकेट ग्राउंड पे, वहाँ पे क्रिकेट मैच चल रहा था। अभी फुटबॉल ग्राउंड पे आ गए, यहाँ फुटबॉल हो रहा है माशाल्लाह ज़बरदस्त। लेकिन यार अजीब है, कोई इधर भाग रहे, कोई इधर भाग रहे, फुटबॉल ऐसे खेलते हैं लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैंने फुटबॉल नहीं खेला है ना। देखो देखो अरमैन भाई ने बिरयानी का ऑर्डर दिया, तो हमारा बिरयानी आएगा, बिरयानी खा के फिर हम वापस घर जाएंगे। अरमैन भाई कैसा लग रहा है बिरयानी का ऑर्डर? 100 रुपए ज्यादा हो रहे हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप, थोड़ा सा 100 रुपए जाया, 50-50 वाला प्लेट लाए बुलाए। अच्छा तो आएगी बिरयानी, देखते हैं कैसे होगा हमारा बिरयानी। मुझे तो नहीं लग रहा है कितना अच्छा हो, मैंने बोला है मसाला थोड़ा ज़्यादा डाला। अरमैन भाई आप मसाला थोड़ा ज़्यादा लेती हो, कम ज़्यादा मसाला अच्छा लगता है आपको? अच्छा ठीक है, देखते हैं अभी ज़्यादा मसाला वाला आएगा या कम। तो ये है हमारा बिरयानी, माशाल्लाह ऊपर से दही डाल के मसाला थोड़ा कम डाले। मसाला थोड़ा कम है, बहुत कम है, बस ठीक है। मिलते हैं अभी आगे इंशाल्लाह, बिरयानी खाएं। आप लोग को भी सलाह है, अगर खाना चाहोगे तो आ जाओ खाओ। करते हैं आज का व्लॉग का एंड, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।